अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहीम और आज आप देख रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग की क्लास नंबर 28, जिसका टॉपिक है कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होती है? हम कंट्री साइड उस साइड को कहते हैं जो कि या जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंट्री से 80 प्लस या 60 प्लस ट्रैफिक आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरह अगर एक वेबसाइट के ऊपर इंडिया से ट्रैफिक 60% या 80% से ज़्यादा आ रही है तो हम उसे कंट्री साइड कहेंगे, या फिर उसकी TLD यानी उसकी जो एक्सटेंशन है .com की जगह वो .pk मतलब के पाकिस्तान, .in मतलब के इंडिया, .uk US, .it इटली। तो अगर इसकी एक्सटेंशन भी उस स्पेसिफिक कंट्री की हो तो उसका ज़्यादा फोकस उस कंट्री का होता है, तो हम उन्हें भी कंट्री साइट कह सकते हैं। और इसकी डिटेल हम देखते हैं अपने वीडियोस के अंदर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, कंट्री साइड। अच्छा, कंट्री साइड में जो हम देखेंगे, एक हम उसकी ट्रैफिक देखेंगे, एक उसकी TLD मतलब के टॉप लेवल डोमेन, या जिससे हम कह सकते हैं .pk या एक्सटेंशन .in, .us, .uk, ये सारी TLD के बुलाती है, टॉप लेवल डोमेन इसे कहते हैं। ट्रैफिक ऑफ कंट्री साइड देखेंगे और इसकी प्राइसिंग का क्या डिफरेंस होता है कि नॉर्मल वेब पोस्टिंग की प्राइस से क्या फ़र्क होता है, और वे टू फाइंड अ कंट्री साइट हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं स्पेसिफिकली, और ब्राउजर्स का इसके अंदर क्या जो है वो फैक्टर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रैफिक। हम जाते हैं रिश्ता artworld.com और गूगलम ने ओपन की। अच्छा, हमारे पास ट्रैफिक देखने के लिए 2-3 सोर्सेज हैं, वो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं एक्सटेंशन के लिए। एक तो हम यूज करेंगे सिमिलर वेब को मैंने ऑन किया, या आप सिमिलर साइट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक में से सिंपल क्लिक करूँगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक ट्रैफिक मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, एक मेरे पास सिमिलर वेब से आएगी, Ctrl+R। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक्सटेंशन वगैरह वर्क ना करी हो तो आप फिर जो Ctrl+R करके रिफ्रेश कर सकते हैं सिंपल। तो एक हमें यहाँ से इसने ट्रैफिक शो करवाई, और थोड़ा सा अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो ट्रैफिक है वो कहाँ से है, वो US से है, और कुछ इसकी ट्रैफिक तुर्की से है, कुछ US से है, कुछ कोलंबिया से है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ओवरऑल जो इसकी वेबसाइट की ट्रैफिक है वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट से है, फिर वियतनाम वगैरह है, मल्टीपल साइट से है। तो अब हम इसको स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं भाई ये इस स्पेसिफिक साइट से बिलोंग करती है, स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करती है। लेकिन क्योंकि जो हमारे पास ये चीज़ आ रही होती है तो हमें पता चल रहा था कि ये स्पेसिफिक US के अंदर रैंक है इस नंबर पे, तो हम इसे कह सकते हैं यार ये US की साइट है। और इवन कि अगर आप इसकी डिटेल्स वगैरह देखेंगे या जो ये आर्टिकल्स लगने हैं वो भी US के रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं भाई ये US की साइट है, लेकिन मल्टीपल जगह से इसकी ट्रैफिक फिलहाल आ रही है। ठीक है, हम इसे प्योर कंट्री साइड नहीं कहेंगे, लेकिन कंट्री साइड जरूर कहेंगे कि US की कंट्री साइड है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं प्रो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की वेबसाइट है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और सिमिलर वेब को मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख लें कि भाई हमारे पास इसकी जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है वो पाकिस्तान की से, और 89 नंबर पे है पूरे पाकिस्तान में। यूनाइटेड स्टेट से 13% आ रही है, यूके से आ रही है 2.88, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है 68.66 पाकिस्तान से। तो भाई ये एक कंट्री साइट है, प्योर कंट्री साइट है। ठीक है, या फिर अगर हम देखते हैं जियो न्यूज़, और देखते हैं ये .tv है। इसके अलावा ये भी मतलब कि पाकिस्तान की साइट है, अगर हम इसकी भी ट्रैफिक देखेंगे तो डेफिनेट बात है वहाँ पे दिखेगी। ओके, एक ये कंट्री साइट है। दूसरी हमारे पास कंट्री साइट्स मिलेंगी जिस तरीके, अगर मैं कहूँ raheel.pk, मेरी अपनी वेबसाइट, अच्छा पर्सनल वेबसाइट, लेकिन इसके एंड पे क्या आ रही है extension.pk, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और अगर इसके ऊपर कोई ट्रैफिक होगी भी तो वो कहाँ से होगी, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक किस्म की स्पेसिफिक कंट्री साइट, ठीक है, .pk वाली, और एक जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आती हो।
ठीक है, तो ये हमने देखिए TYDC कहते हैं डॉट PK, या अगर आप इंडिया से तो .in, या फिर आप जिस भी मुल्क से हैं तो उस स्पेसिफिक मुल्क का कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है, और वो उस स्पेसिफिक मुल्क की ID के ऊपर इशू होती है। मतलब कि आप जिससे .pk वो मेरी CNIC पे इशू हुई है। अगर आप .in बाय करते हैं तो वो भी आपके स्पेसिफिक आईडी पे इशू होगी, या फिर कई बार ये होता है कि जो स्पेसिफिक TLD बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, जिस तरीके से .go है, ठीक है, या .co.us, .com.uk, इस टाइप की जो एक्सटेंशन होते हैं ना, कई कई बार वो ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से जनरल पब्लिक भी उसको बाय कर सकती है, ठीक है। या फिर आपको एक प्रॉपर जो है ना वो अपनी कंपनी शो करवानी पड़ती है, या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के आप ये भी बाय कर सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं है कि .pk कोई और बंदा नहीं खरीद सकता, वो पाकिस्तान में कंपनी में उसके ऊपर खरीद ले। और जिस एज मतलब ऑस्ट्रेलिया वो US ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी में खरीद ले, तो वो किसी ना किसी एंटिटी के नेम पे खरीद जरूर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास है प्राइसिंग ट्रैफिक ऑफ कंट्री साइड। अच्छा, एक तो ये है कि कंट्री साइड की ट्रैफिक जो है वो उस कंट्री से आ रही होती है। दूसरा हमारे पास एक और तरीका भी है, वो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर, कि हम Ahrefs से भी चेक कर सकते हैं। तीसरा है प्राइसिंग। प्राइसिंग इसका थोड़ा सा फैक्टर आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि US के अंदर अपने आप को रैंक करना चाह रहा है। तो जब वो US के अंदर रैंक करना चाह रहा है तो उसको सारी की सारी साइट्स भी US की मिलेंगी। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की साइट और इंडियन साइट और US की साइट को कंपेरिजन करेंगे तो इंडियन साइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर बात ही बहुत ज़्यादा है। अगर आप US की साइट के ऊपर ट्रैफिक देखेंगे तो ट्रैफिक कम है, तो इंडिया की साइट की ट्रैफिक भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उनकी प्राइसेस देखेंगे तो वो $50, $30, $50, $100 के अंदर मान जाएंगे। लेकिन अगर एक US की प्योर साइट है उसके ऊपर ट्रैफिक भी कम है, लेकिन US वाला पर्सन आपसे कहेगा $500। उसकी रीज़न ये है कि उस जगह की भी डिफरेंस है। मतलब US के अंदर डेफिनेट बात है, अगर कोई मजदूरी भी करता है तो वो $2,000 कमाता है एक महीने के, और अगर इंडिया में $2,000 हम देखें तो हम कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, या पाकिस्तान में देखें तो हम कहते हैं यार ये 6 लाख बन जाता है, ठीक है। तो ये प्राइस डिफरेंस होने की वजह से भी जो है वो US की साइड या कोई भी स्पेसिफिक कंट्री साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब चली जाती हैं। मेरा एक स्टूडेंट जो है वो कह रहा था कि सर मैंने आइसलैंड की साइट देखी है और उसके ऊपर ना मतलब कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ना वो रैंक है। अब मैं उसको बेसिकली यही बात की कि आइसलैंड के अंदर आप टोटल कुल मिला के 100 साइट्स होंगी पूरे आइसलैंड के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेट बात है अगर एक मिनट में साइट्स ही 100 हैं तो उसकी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री को टारगेट करते हैं जहाँ पे साइट्स कम है तो आपको चांसेस तो कम मिलेंगे कि साइट्स कम है, तो बहुत कम लोग आपको गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होगी। इवन कि हम अक्सर जो यूरोपियन साइट्स वाली साइट पे हमारा क्लाइंट ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर हम काम करते हैं ना तो 900 यूरो, 1-1 हज़ार, 1100 यूरो की पेमेंट्स भी हमारे पास आती है एक पोस्ट के अगेंस्ट। और अगर हम इंडियन साइट पे काम करते हैं तो वो $30-30 के अंदर हमारे पास अच्छी खासी 50-50K ट्रैफिक वाली साइट्स मिल जाती है $30-30 में, और जिसके ऊपर $1100 के अंदर यूरो में बल्कि हमने पेमेंट पे किया, उस ट्रैफिक की वेबसाइट की ट्रैफिक एन ए है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जिस स्पेसिफिक के इतनी ट्रैफिक होगी उतनी डी होगी उसकी इतनी प्राइस होगी। भाई अगर कंट्री साइड में चले जाओ तो कोई ट्रैफिक ना हो कुछ भी ना हो फिर भी $1100 लोग यूरोप पे कर सकते हैं, ठीक है। जब आ गए आप प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग के अंदर ये हो गया हमारे पास वे टू फाइंड अ कंट्री साइड। अच्छा, अब ये हमारे पास मेन चीज है, वैसे हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन हम पहले भी एक जगह पे ये चीज देख चुके हैं अपनी मोज बार की वेबसाइट की, मतलब मोज बार के टॉपिक के अंदर। उसके अंदर हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम सर्च करें गूगल एडवांस सर्च, ठीक है, जो पहला ही हमारे पास ये ऑप्शन आता है। इसके अंदर हम स्पेसिफिक रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे चाहिए ब्राजील, ठीक है, ब्राजील से मुझे फैशन वाली साइट चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फैशन वाली साइट आ जाएंगी ब्राजील वाली साइट से,
ठीक है, तो अगर आप इनको ओपन करेंगे ब्राजील की साइड से, एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास, हम ये कर सकते हैं कि हम गूगल एडवांस सर्च के अंदर ही जो साइट की डोमेन है उसे कर दें BZ, मतलब ब्राजील। ठीक है, तो हमारे पास सारी .BZ BZ BZ आनी शुरू हो जाएगी, तो ये भी आपके पास स्पेसिफिक PID निकलना शुरू होगी। इसके अलावा हमारे पास ये है कि हम एक ब्राजील की फॉर एग्जाम्पल साइट ओपन करें, इसको ओपन करने के बाद इसकी बैकलिंक्स निकालना शुरू करते हैं। वहां से जो हमारे पास साइट्स निकलेंगी वो भी ब्राजील की निकलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम ब्राजील की किसी एक वेबसाइट को मोजबार प्रो में ऐड करें और उसकी पूरी पूरी लिस्ट हम निकालें। ठीक है, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। जी, हम जा रहे हैं मोज बार प्रो में, एक्सेस मोज बार प्रो, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ब्राजील की फैमिली सूट फॉर एग्जाम्पल या कोई भी साइट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। हमारे पास अक्सर जो बेसिकली हमें ब्राजील की साइट ही चाहिए, उसके अंदर हमें आगे से आगे मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर ही हमारे पास इसका ट्रायल चल रहा है और हम लिंक एक्सप्लोरर पे गए। इसमें जाने के बाद हमने ब्राजील की साइट को ऐड करके एक्सप्लोर किया। अच्छा, अभी हमारे पास लिंक्स आ गई इसके अंदर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बेसिकली फॉलो लिंकिंग डोमेन्स, और इसमें से मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो निकाल लेंगे। वैसे तो इसकी अथॉरिटी भी कम है और साइट भी कम है। हम बेसिकली एक साइट निकालते हैं, उसके बाद जाके उसको ऐड करके ये पूरी की पूरी इस तरीके से लिस्ट निकाल के, अब ये जितने भी अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सी ऐसी साइट्स होंगी जो कि ब्राजील की हो। ठीक है, या फिर एक और तरीका है हमारे पास, बेसिकली हम एक मेन साइट निकालते हैं और बकाया जो है वो उससे मोज बार की लिस्ट निकाल के उसके बैकलिंक से निकाल लेते हैं। या फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम सिमिलर साइट को भी यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास सिमिलर साइट्स नहीं है, उबर सजेस्ट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है सिमिलर साइट्स का, तो हम उबर सजेस्ट से भी कर सकते हैं, या फिर हम सिमिलर वेब इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही हमारे पास साइट्स और ये सिमिलर वेबसाइट, ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको मल्टीपल वेज दिखा दिया, जिस तरीके से आप कोई भी एक कंट्री साइट आपको मिलती है आप उसी से मल्टीपल कंट्री साइट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट चीज है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स का भी इफेक्ट होता है कैसे, जिस तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम चला रहे हैं क्रोम, लेकिन अगर मैं बींग पे चला जाऊंगा तो बींग में ये है कि बींग का 30% शेयर, सॉरी यूएस की ट्रैफिक का 30% शेयर बींग के पास है, बल्कि इसके बाद ज्यादा ही हुआ होगा जब से चैट जीपीटी इन्होंने इंटीग्रेट किया। तो उसमें ये है कि अगर हम बींग पे सर्च करेंगे तो हमें यूएस की साइट ज्यादा मिलेंगे, यूएस कैनेडा की साइट यहाँ से हमें ज्यादा मिलेगी। तो अगर हम बींग का जो ब्राउजर है वो कौन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर या एच के नाम से जो क्रोम में मतलब विंडो में बाय डिफॉल्ट आता है, अगर हम उसे चलाएंगे तो हमारे पास ज्यादा साइट्स यूएस की आएंगी। इसके बरक्स अगर हम ब्रेव ब्राउजर में जाते हैं, ठीक है, ब्रेव सॉरी ब्रेव ब्राउजर, ये बेसिकली ब्राउजर है, ये जो है ना ये बेसिकली प्राइवेसी टाइप का ब्राउजर है, ये ना जो मिडिल ईस्ट टाइप की जगह ना वहां पे ज्यादा प्रेफर करता है। या फिर हम जा सकते हैं यनडेक्स, ठीक है, अगर हम यनडेक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि ये जो आपको सर्च प्रोवाइड कर रहा था, ये रशिया वाली साइट भी जो एक्सप्लोर करता है, इसके अलावा ये इटली तुर्की इस वाली साइट्स को ना ये ज्यादा ऑफर करता है, और यहाँ पे यनडेक्स ब्राउजर यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अगर इस ब्राउजर से हम सर्च करते हैं तो हमारे पास उधर वाली साइट की ज्यादा साइट्स निकल सकती हैं। एक और मजे की चीज, चाइना की साइट आपने कभी देखी नहीं होगी क्योंकि वो बेदू ब्राउजर है जो कि चाइनीज यूज करते हैं, जो कि टोटली है ही चाइनीज के अंदर है। अच्छा, हमें सिर्फ बेदू ओपन करना है, बेसिकली इनका ब्राउजर भी है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बेदू ओपन करके आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ चाइनीज सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाइनीज साइट्स हैं, अगर आपने चाइनीज साइट
ओपन करनी है तो यहाँ पे जाओ, रशियन करनी है तो ये इंडेक्स में जाओ, यूएस की चाहिए तो भाई आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ए या बीम के ऊपर जाओ। ओवरऑल पूरी दुनिया की करनी है, इंडियन ज्यादा करनी है तो क्रोम यूज करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको इससे भी पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक ब्राउजर एक स्पेसिफिक रीजन को भी टारगेट करता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि कंट्री साइड्स क्या होती हैं, ट्रैफिक इज नॉट इम्पोर्टेंट क्योंकि प्राइस जो है वो जीरो, एनी ट्रैफिक वाले को भी मिल जाएगी और मोस्ट बार की जिससे भी हम निकाल सकते हैं। एक फोरम वाली चीज रहेगी, फोरम से मुराद हमारे बेसिकली ये होता है कि जिस तरीके से येलो पेजेस है, ठीक है, तो येलो पेजेस आपको .ca है मतलब कि कैनेडा, तो इसमें भी जो आपको साइट्स निकल रही है कौन की होगी, कैनेडा की और यूएस की। इसके अलावा यहाँ पे क्या है FR मतलब कि फ्रांस। अच्छा ये देखें, येलो पेजेस .ca मतलब कैनेडा, इसकी ट्रैफिक नीचे क्या है 613K, लेकिन जब मैं फ्रांस के ऊपर क्लिक करता हूँ येलो पेजेस को, तो अगर ये इसका फिल्टर लगाते हैं तो इसकी ट्रैफिक क्या है 2.74K, मतलब कि कहाँ 600 कुछ के से 2.4 पे आ गया। तो फ्रांस के अंदर यहाँ से बहुत कम साइट्स निकलेंगी, लेकिन इंग्लिश मतलब कनाडा और यूएस की साइट्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी येलो पेजेस से, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरीके से स्पेसिफिक कंट्री की साइट्स ढूंढ सकते हैं और इसी को हम फिर क्लाइंट फाइंडिंग के अंदर या क्लाइंट क्लोजिंग के अंदर यूज करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।